नमस्कार दोस्तों, यह एपिसोड नंबर 11 है। हमने इस एपिसोड में एपिसोड 9 के जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कलिंग युद्ध कब हुआ, अशोक कब विजयी हुआ, सिकंदर कब आए, बुद्ध का जन्म कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, उसी से संबंधित पार्ट 2 को इस एपिसोड नंबर 11 के माध्यम से लेकर आए हैं, जो कि आपके काफी हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और आपने अगर उस एपिसोड नंबर 9 को नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए। वे एपिसोड और ये एपिसोड दोनों मिलाने के बाद आप में एक बहुत ही कुछ इंटरनल नॉलेज हो जाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा ऊपर ले जाता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर है 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1914 से 18 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 45 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1920 से 22 तक ये भी चला था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, डांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, डांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गोलमेज सम्मेलन के टाइम, इसका राइट आंसर होगा 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 30 जनवरी, 30 जनवरी को इसीलिए शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ, क्वेश्चन एक बार फिर से, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ, 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, ताशकंद समझौता कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1767 से 69 ईस्वी में, 1767 से 69 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1780 से 84 ईस्वी में, 1780 से 84 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिए, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1790 से 92 ईस्वी में, 1790 से 92 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 16, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, चतुर्थ मैसूर आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, इस सबको आपको एकदम सिंपली वे में याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको भी समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिए, कारगिल युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन एक बार फिर से, कारगिल युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था,
तो इसका राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी द्वितीय हुआ था 1931 ईस्वी और तृतीय हुआ था 1932 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? अब तो आंसर दे सकते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1931 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसको अलग अलग इसलिए लाए हैं कि थोड़ा आप टाइम दीजिएगा तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से सुन लीजिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1932 ईस्वी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिए, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिए, चीनी क्रांति कब हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से, चीनी क्रांति कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान दीजिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 24, रूसी क्रांति कब हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से, रूसी क्रांति कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी, 1917 ईस्वी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, अगला हम उस युद्ध के से रिलेटेड जो भी एपिसोड 9 आप लोग देखे हैं, 10 भी देख, 11 भी देख लिए, 10 नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, उसके पहले के नहीं देखे उस सारे एपिसोड आपके लिए बहुत फायदेमंद है, सभी को देखिए। और जो देख चुके हैं उनका तो टेस्ट एक हो जाता है, 5 क्वेश्चन टेस्ट के लिए लेकर आए हैं, उसी सारे वीडियो से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको आंसर पता है तो आप खुद ब खुद समझ लीजिएगा कि हमें पता है, कहीं लिख लीजिए। और आप में अगर 5 में 5 सही किए तो आप समझिए कि आपका बल्ले बल्ले है, कम सही कर रहे हैं तो आप अच्छा मेहनत कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर टेस्ट क्वेश्चन 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे है जो हम पहले भी पूछ चुके हैं, फिर से पूछ रहे हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको राइट आंसर बताना है, सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी दे दे क्या, सुनिए, ऑप्शन ए 1190 ईस्वी, ऑप्शन बी 1191 ईस्वी, ऑप्शन सी 1192 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर बताना है दोस्त, बस टाइम खत्म, इसका राइट आंसर होगा 1191 ईस्वी। अगला अगला टेस्ट क्वेश्चन 2 ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन का शासन कब हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से, हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक चला था? क्वेश्चन समझ आ गया, फिर से सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन, क्योंकि टेस्ट हो रहा है आपका, हर्षवर्धन का शासन काल कब से कब तक चला, यही प्रश्न है, समझ आ गया। इसके लिए ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, ऑप्शन ए 612 से 618, ऑप्शन बी 606 से 647 ईस्वी, ऑप्शन सी 648 से 652 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, बताइए, इसका राइट आंसर होगा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल चला था, पूरा 41 साल तक। अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विक्रम सावंत का आरंभ कब हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, विक्रम सावंत का आरंभ कब हुआ था? इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, राइट आंसर बताइए तो बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 58 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी पूर्व। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन टेस्ट नंबर 4 ध्यान दीजिए, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके हैं एपिसोड नंबर 9 में, आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर याद भी नहीं है तो क्या, आप उस एपिसोड को जरूर देखिए, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप वेट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो बताइए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा 1500 ईस्वी पूर्व में भारत आर्यों का आगमन हुआ था, भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अगला टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1025 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और बस ये गुजरात में मंदिर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ध्यान दीजिए,
वास्को डिगामा का भारत का आगमन कब हुआ था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लीजिए, आपका टेस्ट चल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्त 1498 ईस्वी। इसीलिए तो आपको बोलते हैं कि आप एपिसोड सारे को फॉलो कीजिए, सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके पिछले वाला एपिसोड जरूर देखिए, आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अब अगले एपिसोड में लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिए।